दर्शकों, आप देख रहे हैं फेयर वाइस और मैं हूं मोहित कोतवाल। हमारे साथ अभी एक ऐसी हस्ती, महान हस्ती साथ में बैठी हुई है कि इनका परिचय भद्रवा में देने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारे बाहर के व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ अभी बैठी है सिंगर रज्जो देवी जी, जो कि बहुत ही सुंदर गाती है। अभी जितने भी नए गाने जो हमारे आए हैं भद्रवा के, ब्लोरिया प्रोडक्शन ने जो है वो गाने रिलीज किए हैं, बड़े ही अच्छे गाने हैं, तो रज्जो जी ने बड़ी ही बेखूबी से जो है उन्हें गाया है। आप देखिएगा ब्लोरिया प्रोडक्शन पे जाके जितने भी नए गाने हैं उस पे रज्जो जी ने जो है बड़े अच्छे से उन गानों को गाया है। तो हमारे साथ मौजूद है रज्जो जी, तो कुछ खास मुलाकात जो है वो करते हैं रज्जो जी के साथ। रज्जो जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो रज्जो जी, इंटरव्यूज तो आपके पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं, तो फेयर वाइस के लिए जो है आपका पहला इंटरव्यू है, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि गाने का जो आपका सिलसिला है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? गाने का सिलसिला बचपन से, मतलब जब से समझ में आई हूँ उसी के बाद मेरा गाने का सिलसिला शुरू हो गया। जी, तो रज्जू जी भद्रवाही से स्टार्ट किया या हिंदी बॉलीवुड गानों से स्टार्ट किया या डोगरी से स्टार्ट किया? पहले, मतलब पहले से मैंने भद्रवाही से शुरू किया, क्योंकि मैं अब थी भद्रवाही तो मुझे इतना पता नहीं था, इसलिए मैंने एक्चुअल में भद्रवाही से ही शुरू किया था। उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होने लगी, जैसे जैसे समझ आने लगी, सुनती गई बॉलीवुड के गाने, तो फिर बॉलीवुड भी गाने लगी। अच्छा, तो रज्जो जी एक होता है ना कि जिसको आप फॉलो करते हैं कि आपको उनके जैसा बनना है, या उनको आप फॉलो करते हैं, उनके गाने आपको बहुत ही पसंद आते हैं, तो आपका वो सिंगर कौन है? जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे जिनको मैं फॉलो करना चाहती हूँ, जिनके मैं गाने गाना चाहती हूँ, वो थी हमारी लता जी। तो उनके गाने को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। अच्छा, तो कोशिश करते हैं उनके जैसे गाने की। उनके जैसे तो मैं नहीं गा सकती, उनके तो मैं छन्नू की धुन भी नहीं हूँ, लेकिन ये करती हूँ कि उनके जैसे ही मैं गाना, मतलब कोशिश करूँ। कोशिश करेंगे। रज्जू जी से सुनते हैं कि कैसा गाती है, लता जी के गाने जो इनको पसंद है, लता जी को फॉलो करती हैं, तो फिर आप समझ सकते होंगे कि इनके इनकी आवाज़ भी लता जी के साथ, तो थोड़ी बहुत लता जी के साथ उनके जैसा गाना, ये तो मुझे नहीं लगता कि उनके बाद वैसी आवाज़ हमारे इस हिंदुस्तान में या हमारी इस दुनिया में कभी आएगी, लेकिन उनकी जैसी कोशिश जो है हमारे रज्जू जी करती हैं। रज्जू जी, दो लाइनें लता जी का जो गाना आपका, आपको सबसे जो पसंद है वो हमें, हमारे व्यूवर्स को जो है वो सुना दें। जो जी, गाना जो है आपने गुरु शिष्य विधि के साथ सीखा, या सुन सुन के ही आपने सीखा और फॉलो करने की कोशिश की, या जैसे कि पूरा बेसिक से लेके सीखा जाता है, या वैसे सीखा आपने? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने किसी से नहीं सीखा है। मैं जो कुछ भी हूँ सुन 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 के ही मैंने, मतलब मैंने ये फॉलो किया है कि मैं सुन के ही करती हूँ, जो भी कुछ मेरे दिमाग में आया, जो मेरे कानून में पड़ गया, तो मैंने उसको हमेशा गुनगुनाया है। लेकिन ऐसा है कि मैंने किसी से सीखा नहीं, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। शायद अगर मैंने को किसी ने सिखाया हो तो आज मैं बहुत
कुछ नाम भी कमाती लेकिन नहीं सिखाया। नहीं, नाम तो राजू जी का बहुत है भद्रवाह में, काफी जागरण यहाँ पे होते हैं, जितने भी यहाँ के लोकल प्रोग्राम्स होते हैं तो रज्जू जी को सब बुलाते हैं। और एक और बात आपको कह दूं कि रज्जू जी जो है बचपन से जो है नेत्रहीन है, ब्लाइंड है, लेकिन माँ सरस्वती ने, भगवान अगर आपसे एक गुण जो है वो ले लेता है तो उसके बदले 10 गुण जो है वो आपको दे देता है। तो माँ सरस्वती ने जो है इनके ऊपर भरपूर आशीर्वाद जो है गले का, आवाज़ का जो है वो दिया है। तो रज्जू जी भद्रवाही जो आप अभी आपके चल रहे हैं, तो जो अभी हाल ही में आपका एक गाना रिलीज हुआ जो कि उसके जो मुखड़ा था वो शायद किजोर शोरी गोरी है था, तो उसके 2 बोल जो है वो अगर आप सुना दें, गुनगुना दें तो। समय को बांधने की जो शक्ति है वो रज्जू जी के अंदर है, पूरी भरपूर है। मेरा तो मन कर रहा है कि माइक को छोड़ के पहले इनके गाने सुन लूं। तो रज्जू जी से इनकी जो शिक्षा है, शिक्षा के बारे में पूछते हैं कि रज्जू जी ने शिक्षा प्राप्त की या नहीं कर पाई, तो उसके पीछे का क्या कारण रहे, वो भी थोड़ी सी जो झलकी है वो इनके जीवन के ऊपर डालते हैं। तो रज्जू जी, शिक्षा में कैसा रहा आपका? आप स्कूल ज्वाइन किया, गए स्कूल पढ़ा? या मैंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि होते हैं हमारे बुजुर्ग जो होते हैं वो थोड़े पुराने ख्याल के होते हैं। अब जब स्कूल जाने की बारी आई बचपन में, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी लड़की है होते, अगर चलो ठीक होती लड़की तो चलो अच्छी बात थी, भेज भी देते, लेकिन जो इसके हिसाब हैं, जो ये है जैसी है उस हिसाब से तो हम इसको स्कूल में नहीं भेज सकते, इस वजह से तो मुझे स्कूल नहीं भेजा गया, तो इसलिए मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो लेकिन रज्जू जी, जो आप इतना अच्छा गाती हैं, पूरे शब्द जो है हिंदी के उठाने और वो बोलने पूरा, ये सब कुछ कैसे आप बिना गुरु के और बिना स्कूल के कैसे ये सब कुछ पिकअप जो है, आपकी वो शक्ति जो सीखने की शक्ति है वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है। नहीं ज़्यादा इतने माता रानी की देन है मुझे। अच्छा। कुछ नहीं है। तो राजा जी, जागरण वगैरह भी काफी करती हैं आप, भजन? जी मैं बहुत जागरण करती हूँ, जो जहाँ मुझे बुलाते हैं तो मैं वहाँ पर जाती हूँ। अच्छा, तो राजा जी अभी आगे क्या है, आगे का क्या सोचा है आपने, कि आपने अभी सीखना है जैसे म्यूजिक को सीखा जाता है गुरु शिष्य विधि से सीखना है, या ऐसे ही गाना है, या कुछ आगे कुछ बड़ा करने का सोचा है आपने? बड़ा तो आप कर ही रही हैं, अभी आपने इतने अच्छे अच्छे भद्रवाही में गाने, लेकिन इससे ऊपर जो कि पूरे, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसा सोच रहे कि आगे बढ़ने की कोशिश, या कोई आपका साथ जो है वो दे रहा है इसमें? मैंने तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं जिस हिसाब से हूँ, जो मेरे हालात हैं, तो मैं ऐसे नहीं रहना चाहती, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे बोले कि ये लड़की हम पे बोझ है, मैं वो नहीं करना चाहती, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, ताकि मुझे दुनिया, घर वाले तो मुझे याद रखे, पूरा हिंदुस्तान मुझे याद रखे, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। अवश्य, माँ सरस्वती का और रज्जू जी की जो नेक दिली है, जो रज्जू जी के माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, अवश्य ऐसा ज़रूर होगा। हमारी दुआएं, हमारे चैनल की भी दुआएं जो हैं वो इनके साथ हैं। हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे जो है रज्जू जी को जो है हौसला अफजाई मिलेगी, ये वीडियो दूर तक पहुँचेगी, तो क्या पता कोई हमारे जो बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं, लेखक हैं, वो रज्जू जी को गवाने के लिए जो है वो कभी बोलें, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, कैमरामैन पर्वत कोतवाल जी के साथ।